Hello student, today we are going to study a new chapter, that is linear regression. Before starting with the content, let us study the word regression. What do regression actually mean? If you look into the dictionary, the meaning of regression is defined as stepping back, but it has nothing to do with the statistical concept. Statistical terminology mein regression ki ek alag value hoti hai ya matlab hota hai, aur dictionary ke hisab se regression ka matlab kya hota hai? Stepping back. ऑल्दो मैं आपको बेसिक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, माइट बी वन मार्क्स में आपसे पुट अप किया जा सकता है कि रिग्रेशन वर्ड किसने डिटरमाइन किया था या फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था. इट वॉज सर फ्रांसिस गैल्टन. तो रिमेंबर दैट रिग्रेशन वर्ड वॉज फर्स्ट यूज बाय सर फ्रांसिस गैल्टन. नाउ कमिंग टू बैक टू द पॉइंट ऑफ स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, अब हमको जिसके बारे में स्टडी करना है, जो हमारे पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका एक्चुअल में रिग्रेशन का मतलब क्या होता है. तो डेफिनेशन क्या कह रही है? Regression is the measure of average relationship between two or more variables in terms of original unit of the data. हो सकता है कि ये आपको थोड़ा complicated लगे. अगर मैं इसको simple language में आपको बताने की कोशिश करूँ तो क्या हो सकता है कि अगर ये दो variables के बात कर रहे हैं और दोनों के बीच में कोई correlation है, यानी दोनों में से कोई दूसरे पे क्या हो, interdependence हो, और उसके बाद एक वेरिएबल को आप डिटरमाइन करने की कोशिश करते हो, तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन एनालिसिस. उस चीज़ को हम लोग क्या कहा जाता है? रिग्रेशन एनालिसिस. आई हैव गिवन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू कि हमारे पास एक वेरिएबल है, लेट अस से एडवर्टीजमेंट, और एक वेरिएबल क्या है? सेल्स. लेट अस से कि मैंने एडवर्टीजमेंट को क्या बोला है एक्स और सेल्स को क्या बोला है वाई. हमने कहा 10 यूनिट्स की अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो आपको 50 की यूनिट्स की क्या आती है? सेल्स आती है. 9 यूनिट्स पे एडवर्टीजमेंट करने से 45 यूनिट्स की आपके पास सेल आती है. और इस तरीके से आपने स्टडी कर लिया कि हाँ, इन दोनों के बीच में क्या हो गया? कोरिलेशन हो गया. तो दिस द कॉन्सेप्ट कोरिलेशन. बट हमें स्टडी क्या करना है? रिग्रेशन. अब रिग्रेशन क्या करता है? क्योंकि अगर हमने ये कहा कि एक्स वैल्यू वाई के ऊपर डिपेंड कर रही है और हमको वाई की वैल्यू आप पता करके दिखाइए, यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर हमारे पास एडवर्टीजमेंट 5 यूनिट्स का है तो सेल्स क्या होगी, या फिर अगर हमने कहा कि अगर सेल्स 60 के हमें चाहिए तो हमें एडवर्टीजमेंट कितने का करना पड़ेगा. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन एनालिसिस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू स्टडी हेयर इज दैट कि अगर हम पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि एडवर्टीजमेंट 5 की है और वैल्यू आपको किसकी निकालनी है? सेल्स की. तो ऐसे केस में क्या लिखा आपको ध्यान रखना होगा कि द वैल्यू ऑफ सेल इज डिपेंडेंट ऑन एडवर्टीजमेंट. जो सेल्स की वैल्यू हम निकालेंगे वो किसके ऊपर से निकालेंगे? एडवर्टीजमेंट के ऊपर. सिमिलरली इन द अदर केस आप देखोगे कि हमारी सेल्स की वैल्यू 60 दे रखी है, एडवर्टीजमेंट निकालना है. तो यानी एडवर्टीजमेंट की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रही है? वाई के ऊपर हो रही है. और इसी चीज को यहाँ पे टर्म दे रखा है. नीचे वाले केस में क्या होता है? एडवर्टीजमेंट डिपेंड्स ऑन सेल, और इसी को क्या बोला जाता है? एक्स ऑन वाई बोला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम कभी बहुत सारे चीज़ों के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं. हमारी हैबिट होती है कि हम एक चीज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं? शॉर्टकट यूज़ करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि एडवर्टीजमेंट डिपेंड्स ऑन सेल, वी कैन इजली से दैट एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, और सिंपल से अगर हम ये कहें एक्स ऑन वाई भी बोल सकते हैं. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्स ऑन वाई, एंड दैट इज सिंपल एज दैट. इसके ऊपर वाली केस में देखिएगा, जब हमने कहा कि भैया सेल्स की वैल्यू आप बताओ, जब एडवर्टीजमेंट कितने की हो रही है? 5 यूनिट्स की हो रही है, तो द वैल्यू ऑफ वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वाई ऑन एक्स इन शॉर्ट एब्रिवेशन. तो अब हम शिफ्ट करते हैं, हो सकता है आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया हो. अब हम शिफ्ट करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट आपको अब ये बहुत समझना बहुत जरूरी हो गया है कि रिग्रेशन इक्वेशन कैसे, जैसे मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया था, तो रिग्रेशन इक्वेशन सिर्फ कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है. इधर इट वुड बी एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, और इट वुड बी वाई डिपेंड्स ऑन एक्स. दो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया. या तो वो क्या होगा, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई एंड वाई डिपेंड्स ऑन एक्स. फिर से समझा देता हूँ. एक्स डिपेंड्स ऑन वाई का मतलब क्या हुआ है कि अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है वाई के बिहाफ पे, तो उसे हम लोग क्या कहा जाएगा? एक्स ऑन वाई बोलेंगे. क्या होंगे? इसको क्या बोला जाएगा? एक्स ऑन वाई बोला जाएगा. और दूसरे कॉन्सेप्ट अगर हम कह दो कि मुझे वाई की वैल्यू आप बता करके दिखाओ जब आपको एक्स की वैल्यू क्या हो, गिवन हो, तो ये दो टाइप की ही इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी आने वाले प्रैक्टिकल्स वगैरह कॉन्सेप्ट के लिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स हैं? तो हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो दो मेथड है. द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड डेविएशन मेथड. इसे शॉर्टकट मेथड के वर्ड से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है. एंड द अदर इज ली स्क्वायर मेथड. आज का जो मेरा पूरा वीडियो है दैट इज स्पेसिफिकली टू द केस ऑफ डेविएशन मेथड. आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या स्टडी करेंगे? डेविएशन मेथड. हम नेक्स्ट अपने वीडियो में हम किसके बारे में आपको बता देंगे? ली स्क्वायर मेथड के बारे में. तो अब आप चेक करो कैसे क्या होती है रिग्रेशन इक्वेशन अगर हम बना रहे हैं. देखिए मैंने लेफ्ट में लिखा हुआ है
एक्स ऑन वाई और राइट में हमारा क्या हो गया वाई ऑन एक्स। ये ध्यान रखिएगा कि मैंने उसी लेवल में रिप्रेजेंट करता है, दिस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस कैटेगरी रिप्रेजेंट। रिकनाइज कैसे किया जाएगा, कैसे आपको क्या करना है, तो देखिएगा हमने क्या लिखा, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस मीन ठीक है इज इक्वल्स टू आर। आर किसको रिप्रेजेंट करता है, कोरिलेशन को। जो ये सिक्स जैसा सिंबल बना हुआ है ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, फिर बाहर ब्रैकेट्स में क्या है y माइनस वाई मीन। इज दैट क्लियर, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ कि नहीं आ गया। दूसरे केस में हमने क्या देखा, y माइनस वाई मीन इज इक्वल्स टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ब्रैकेट x माइनस एक्स मीन। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या है कि यहाँ पे फॉर्मूला याद कैसे करें। देखिए ऊपर हमने क्या लिखा है, x डिपेंड्स ऑन y, देखिए लेफ्ट में क्या हो गया x और राइट में हमारा क्या है y, तो देखिए हमने क्या लेफ्ट में x और राइट में y, सेम चीज हुआ, देखिए लेफ्ट में y राइट में x, तो लेफ्ट में y राइट में x, देखिए सेम हमने अप्लाई कर दिया कि नहीं कर दिया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरी चीज यहां पे कंफ्यूजन ना हो, तो देखिए x पहले हो y बाद में है, तो ऊपर भी हमने क्या लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। दूसरी चीज जगह पे आपने देखा क्योंकि y पहले है और x बाद में है, तो हमने क्या लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो इस तरीके से आप अपने पूरे फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे ये चीज लिखी है और यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है, इस चीज को हम लोग बी एक्स वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी एक्स वाई, और यहाँ पे इसको क्या होते हैं बी वाई एक्स, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या बोलाता है, रिग्रेशन कोफिशियंट्स। व्हाट वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज अ रिग्रेशन कोफिशियंट्स कहते हैं। सो नाउ वी विल वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट्स। अगर आपने इसके ऊपर जो इक्वेशन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन आपको दिखा रखी है, आपने बेसिक कुछ चीज़ें अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। ये क्या दे रखा है, एक्स मीन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वाई मीन कैलकुलेट करना, तो मैं लिख करके दे रहा हूँ। एक क्या चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्स मीन और वाई मीन आपने कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि बी वाई एक्स आप कैलकुलेट कर लो और बी एक्स वाई आप कैलकुलेट कर लो, ये दो पॉइंट्स क्लियर कैलकुलेट कर लो। तो अगर आपने इतना ही कैलकुलेट कर लिया तो आपका पूरा रिग्रेशन इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको, तो आपने फिर से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ कि आपने मीन कैलकुलेट कर लिया, वाई मीन कैलकुलेट कर लिया और इस चीज़ को पूरा आपने कैलकुलेट कर लिया। एक्स एंड वाई के वैल्यू को तो आपको डिटरमाइन करना है, तो यानी कि अगर एक्स ऑन वाई होगा तो जो आपका इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म पे होगी, एक्स इज इक्वल्स टू, और ऐसे करके आपने जो वैल्यूज प्लेस कर दी इस फॉर्म पे ये इक्वेशन होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपने वाई वाले केस में वैल्यूज को प्लेस कर दिया तो यहाँ पे इक्वेशन कैसी हो जाएगी, वाई इज इक्वल्स टू, और इस फॉर्म पे आपके सामने इक्वेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वह है, बाकी सब तो आपको कैलकुलेट करना आता ही है, मीन ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लोगे, मीन ऑफ वाई आप कैलकुलेट कर ही लोगे। अब हमें जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन करना है वो हमारा क्या हो गया कि कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट्स। हम रिग्रेशन कोफिशियंट्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए मैंने दोनों को एक साथ में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चल रहा हूँ, एक एक्स ऑन वाई को भी और वाई ऑन एक्स को भी। याद रखिएगा रिग्रेशन कोफिशियंट्स को कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड्स है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड स्क्वायर वैल्यू मेथड। डायरेक्ट मेथड ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल मीन से डेविएशन लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन समीशन डी वाई स्क्वायर और समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर कैसे याद रखोगे, देखिए फॉर्मूले में कैसे हमें याद रखना पड़ेगा, देखिए सिंपल सा है, x ऑन y है तो y देखिए बाद में है, y हमने देखिए कहाँ लिखा, डिनोमीटर में लिखा, यहाँ y ऑन x है तो देखिए हमने डिनोमीटर किस में लिख दिया, x लिख दिया। नीचे ध्यान रखिएगा, देखिए मैंने साफ साफ लिखा हुआ है dy वाई इक्वल्स टू वाई माइनस एक्चुअल मीन, यानी कि आपको डेविएशन कहाँ से लेना होगा, एक्चुअल मीन से डेविएशन आपको लेना होगा dy निकालने के लिए, और dx निकालने के लिए भी एक्चुअल मीन फ्रॉम x सीरीज आपको डेविएशन के लिए यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड, जहाँ पे आपका क्या होगा n समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन नीचे है एन समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। दोनों का फॉर्मूला आपने देखोगे जब न्यूमरेटर न्यूमरेटर की बात करते हैं तो दोनों जगह सेम ही फॉर्मूला होगा। बस ध्यान रखना होगा कि डिनोमिनेटर केस में अगर एक्स ऑन वाई है तो हम डी वाई का यूज़ करेंगे और वाई ऑन एक्स है तो हम किसका यूज़ करेंगे, डी एक्स स्क्वायर का यूज़ करेंगे। अब आते हैं अपने थर्ड मेथड पे, थर्ड मेथड हमारा कौन सा हो गया, स्क्वायर वैल्यू मेथड। सबसे इजी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो कोई फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा, स्क्वायर वैल्यू मेथड। क्यों इजी है,
सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या चीज़ होगी कि आपको किसी को डेविएशन नहीं निकालना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल होगा ही होगा, सिर्फ टोटल करना और स्क्वायर करना और मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होगा, ये ज़्यादा ईजी है। तो आई एम सजेस्टिंग यू टू आप मेमोराइज हाँ दिस कॉन्सेप्ट कि अगर आपको रिग्रेशन में बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैलकुलेट करना है तो आप कौन से तरीके से निकालोगे, स्क्वायर वैल्यू मेथड से आप क्या करना सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। एक बार हम फॉर्मूले को भी डिस्कस कर लेते हैं। द फॉर्मूला सेज एन समीशन एक्स वाई, यानी एक्स वाई का प्रोडक्ट करेंगे फिर टोटल करेंगे। यहाँ पे समीशन एक्स एंड समीशन वाई, यानी कि एक्स का जो टोटल होगा वाई के टोटल से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। बाकी डिनोमिनेटर में सारे एस्पेक्ट्स क्लियर है, एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का वाई की पहला स्क्वायर निकालेंगे फिर टोटल लिखेंगे, और यहाँ पे पहले वाई का टोटल करेंगे फिर उसके बाद स्क्वायर निकालेंगे। तो आपके ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब वाई से वर्सा केस यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये वाई ऑन एक्स है तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एक्स रहेगा। होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आपको यहाँ तक का फॉर्मूला आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि हम अगर सबसे ज़्यादा फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो कौन सा यूज़ करेंगे, स्क्वायर वैल्यू मेथड वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था कि अगर हमें रिग्रेशन इक्वेशन को निकालना होगा तो हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि मैं यूज़ कर सकता हूँ डेविएशन मेथड, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे आपके पास लिखा है, फर्स्ट मेथड आपका कौन सा हो गया, डेविएशन मेथड, जो कि इस तरीके से सॉल्व करेगा, उसके ये स्पेसिफिक फॉर्मुलेज दे रखे हुए हैं। और लीस्ट स्क्वायर अगर सॉल्व करना है तो ये भी बहुत ईजी है, जैसे अभी हमने टाइम सीरीज में लीस्ट स्क्वायर में स्ट्रेट लाइन फिट किया था, बस आपको वही चीज़ यहाँ पे आपको क्या रखनी होगी, ध्यान रखनी होगी। अगर लीस्ट स्क्वायर एक्स ऑन वाई है, मैंने आपको बताया था ना कि एक्स ऑन वाई है, तो इक्वेशन किस फॉर्म पे होगा, एक्स इक्वल्स टू, और इस फॉर्म पे आपके पास इक्वेशन होगी। वाई ऑन एक्स होगा तो इक्वेशन किस फॉर्म पे हो, वाई इक्वल्स टू, फिर इस फॉर्म पे इक्वेशन होगी। सॉल्व करने के लिए जैसे ही हम स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यूज करते थे वही फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, कहीं कोई चेंजेस इसमें नहीं दे रखे हैं। अब इस पॉइंट को ज्यादा अच्छे समझने के लिए लेट अस टेक एन पर्टिकुलर प्रैक्टिकल दैट इज कॉमनली आस्क इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। अब मैं आपके सामने एक ऐसा ही प्रैक्टिकल लेकर के आ रहा हूँ जो ज़्यादातर आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर्स में कई बार रिपीट होकर के आया हुआ है, जस्ट इन ऑर्डर कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी कॉन्सेप्ट हो, वो एक ही बार में आपके पूरी तरह क्लियर हो जाए। हेयर इज योर प्रैक्टिकल। जो आपका प्रैक्टिकल है वो कुछ इस फॉर्म पे दे रखा होगा। पहले एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, लेट अस से कि हमारे पास ये समीशन एक्स की जो वैल्यू है वो गिवन है, समीशन वाई की वैल्यू गिवन है, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, समीशन वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, समीशन एक्स वाई और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी गिवन है। तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज गिवन द पर्टिकुलर प्रैक्टिकल। अब आपसे यहाँ पे देखिए क्या पांच चीज़ें पूछी है, ये हम स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या पूछा है, ये आपसे पूछा है टू रिग्रेशन कोफिशियंट्स। तो मैंने अभी आपको बताया था रिग्रेशन कोफिशियंट्स कौन कौन से होते हैं, एक आपका बी एक्स वाई होता है और दूसरा क्या होता है, बी वाई एक्स होता है। इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए पहले मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे, बस आप उन्हीं फॉर्मुलों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो गया, नेक्स्ट इज टू रिग्रेशन इक्वेशंस। फिर जब वैल्यूज हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स मिल ही जाएगा तो बस हमें खाली मीन निकालना होगा, मीन निकालने के बाद इक्वेशन प्लेस करेंगे, हमारे पास दोनों का इक्वेशन आ जाएगा। कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन आपको पता है आर, जो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आर की वैल्यू अगर यहाँ पे कैलकुलेट करनी होती है तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, रूट निकालना होगा, किसका निकालना होगा, बी एक्स वाई का मल्टीप्लाइड बाय बी वाई एक्स का, बस इन दोनों का अगर आप रूट निकाल देते हो तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, कोरिलेशन का सीधे सीधे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे दो वैल्यू डिटरमाइन करने के रखा है कि भैया अगर वाई की वैल्यू हमको बता दो, जब एक्स कितने का दे रखा है, 60 का, और एक बार आपसे पूछा है कि अगर वाई हमारी 20 की है तो एक्स कितने का होगा। ये दोनों ही आंसर्स आपको कैसे पता चलेंगे, क्योंकि आपके पास इक्वेशन होगा ही होगा, उसी इक्वेशन में सीधे दोनों के वैल्यूज़ को आप प्लेस कर दोगे, आपके पास सीधे आपके पास पूरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आर सॉल्यूशन। अब हम इसके सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा पहले पार्ट में हमको क्या सॉल्व करना होगा, बी एक्स वाई करना होगा, बी वाई एक्स। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, बी एक्स वाई इक्वल्स टू समीशन एन, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स मल्टीप्लाइड बाई समीशन वाई अपॉन एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। देखिए एन नंबर ऑब्जर्वेशन कितने दे रखा, 12 दिया हुआ था। समीशन एक्स वाई हमें कितना दे रखा, 4992, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद समीशन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 120, और समीशन वाई की वैल्यू कितनी थी, 432, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। नीचे n नंबर ऑब्जर्वेशन, y का स्क्वायर हमें दे रखा था,
हमने वो प्लेस किया, फिर यहाँ पे y का जो समेशन y की वैल्यू थी उसका होल स्क्वायर कर दिया। इतना सॉल्व करने के बाद हमारे पास बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.25। मैंने यहाँ पे कौन सा, मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया यहाँ पे, स्क्वायर वैल्यू मेथड, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं, हम डेरिवेशन निकाल नहीं सकते भाई, डायरेक्टली आपके पास पूरा क्वेश्चन दे रखा है तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज, सबसे एक्यूरेट, सबसे बढ़िया मेथड है जो इजिली आपको समझ में आ जाएगा वो कौन सा होता है, स्क्वायर वैल्यू मेथड। मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। उसी तरह हमने क्या निकाला, बी वाई एक्स निकाला, और इससे हमारा आंसर कितना आ गया, 3.5 हो गया। तो यहाँ तक का आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट करके आपको दिखाते हैं, एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमसे इक्वेशन मांग रहा था, तो इक्वेशन मांगने के लिए मैंने आपको बताया था वीडियो स्टार्ट करने के पहले कि आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक्चुअल मीन चाहिए होगा एक्स का, एक्चुअल मीन चाहिए होगा वाई का, फिर बी एक्स वाई चाहिए होगा, बी वाई एक्स चाहिए होगा। इतनी वैल्यू पता चल गई तो बाकी कुछ करना ही नहीं है। तो देखिए, हमको समीशन एक्स दे रखा था, एन नंबर ऑब्जर्वेशन देखा, तो मैंने एक्स का मीन निकाल लिया और ये मैंने वाई का मीन निकाल लिया। यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने इक्वेशन लिखी x ऑन y की, मैंने ये इक्वेशन लिख दी, और y ऑन x की मैंने ये इक्वेशन। मैं साइमल्टेनियसली दोनों ही पार्ट को क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ साइड बाय साइड। देखिए, मैंने एक लाइन मैं बीच में खींच देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। x एंड y को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन मैंने लिखी, फिर इक्वेशन में x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, वहाँ पे तो आप कुछ कर नहीं सकते। मीन की वैल्यू कितनी थी, 10, तो मैंने वो प्लेस किया, इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, ऊपर मैंने कैलकुलेट किया 0.25, तो मैंने उसको भी सॉल्व कर दिया है। और उसके बाद फिर हमारे पास y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, उसके बाद है y माइनस 36, तो हमने डायरेक्टली जो वैल्यू थी मीन की वो हमने वो प्लेस कर दी। क्योंकि इक्वेशन x ऑन y की है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या होगा, x, और बाकी सारे वेरिएबल्स किधर हो जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो उसी फॉर्म पे करते हुए देखिए, मैंने ये इक्वेशन निकल के आ गई, और ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, x ऑन y की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है, x ऑन y की। अब इसी तरह दूसरे पार्ट में हम शिफ्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने इक्वेशन प्लेस किया, सारी वैल्यू को प्लेस कर दिया, क्योंकि हमसे इक्वेशन किस फॉर्म पे पूछ रहा है, वाई ऑन एक्स, तो वाई को हम रखेंगे लेफ्ट में और बाकी सारे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट को हम लोग राइट में कर देंगे, जिससे सॉल्व करने के बाद आपके पास इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी। तो यहां तक का आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यानी कि आपके पहला पार्ट सॉल्व हो गया, अब सेकेंड पार्ट हो गया। इतना सॉल्व करने के बाद देखिएगा, अब आते हैं थर्ड पार्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में स्क्रीन पे ही मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया था। देखिए क्या लिखा मैंने, कोरिलेशन की वैल्यू क्या होती है, आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है बी एक्स वाई का और बी वाई एक्स का। देखिए, मैंने रूट लिखा बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, सॉल्व करने पे और आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0.935। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपने हम लास्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, दिस इज द लास्ट पार्ट, कि हाँ इसको हम कैसे करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था फोर्थ में, कि आप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 60। तो आपकी वाई की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, एक्स के ऊपर डिपेंड हो रही है। तो यानी ये किसकी कंडीशन बना, वाई ऑन एक्स की। तो देखिए, वाई ऑन एक्स वाली जो इक्वेशन अभी अभी मैंने ऊपर यहाँ पे देखिए सॉल्व कर रखी है कि नहीं कर रखी है, बस उसी इक्वेशन को यहाँ प्लेस किया, एक्स 60 बोल रखा, तो मैंने 60 प्लेस किया, मेरे सामने ये आंसर आ गया। तो मेरा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब शिफ्ट करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ में क्या कह रहा था कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है जब वाई की वैल्यू इतनी 20 है। तो यानी एक्स की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वाई के ऊपर। तो एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, या एक्स ऑन वाई भी हम कह सकते हैं। मैंने जो दूसरी इक्वेशन मैंने बनाई थी एक्स ऑन वाई की, मैंने वो प्लेस कर दी, सीधे वाई की जगह मैंने सिर्फ 20 प्लेस किया, और आपके सामने सीधे सीधे आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल आपके पेपर में आते हैं, और आपको सॉल्व भी इसी तरीके से करना है। तो या तो इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, बहुत ज़्यादा अगर वो चेंजेस करता है आपके सामने तो हो सकता है कि वो आपसे कैलकुलेट करने दे, जैसे कि अभी हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रखा था, सारी चीज़ें दे रखी। जैसे आपने देखा ना, यहाँ पे हमें इस पार्ट में हमें सब कुछ गिवन था। हो सकता है कि वो गिवन ना देख करके एक्स का एक कॉलम बना दे और एक कॉलम वाई का बना दे। अब आपको कैलकुलेट करना होगा, तो आपको बाकी सब तो कैलकुलेट करना आता ही है। हम इसी को, आप लोगों को कॉन्सेप्ट वो उतना आता है, इसलिए मैंने आपको एक प्रैक्टिकल दे रखा है कि हाँ एक प्रैक्टिकल का आप सॉल्व करो, ताकि आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए। फिर भी मैं इसको आपके साथ में क्या कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। देखिएगा, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, तो इससे हमें क्या निकल के आएगा, समीशन एक्स निकल के आएगा, और इससे क्या निकल के आएगा, समीशन वाई। ये दो पॉइंट हो गया। अब दूसरी क्या चीज़ हमें चाहिए, एक कॉलम आपने बना लिया एक्स स्क्वायर का, एक कॉलम आपने बनाया वाई स्क्वायर का, एक कॉलम आपने बनाया एक्स वाई का। सारा कॉलम बन गया, बहुत सिंपल है, कहीं कोई डेरिवेशन निकालने की जरूरत नहीं, कुछ करने की। सबसे ज़्यादा हम आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई टू यूज़ द स्क्वायर वैल्यू मेथड, ये सबसे ईजी और सबसे बेस्ट मेथड होता है सॉल्व करने के लिए, बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया।
उसके बाद फिर आप देख सकते हो मैंने नीचे से आपके सामने आंसर्स दे रखे हैं। आप उसी कॉन्सेप्ट से स्क्वायर वैल्यू मेथड जैसे हमने ऊपर अभी सॉल्व किया था वैसे ही इस चीज़ को आप फिर से सॉल्व करके करने की कोशिश करिए। अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू एवरी वन। आपको यहाँ पे ये जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था डेविएशन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड, ये आपको पूरी तरह क्लियर हो गया हो। बस आपको क्या ध्यान रखना होगा कि हमें बी एक्स वाई को कैलकुलेट करना है, बी वाई एक्स को कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? स्क्वायर वैल्यू मेथड हम यूज़ करेंगे। होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू एवरी वन। अच्छा, अब जो उसका जो नेक्स्ट पार्ट था दैट इज ली स्क्वायर मेथड, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे हम इस पर वर्क करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।